हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 24th of November 2018। तो 24 नवंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड? ऑप्शन आर केरला, उड़ीसा, कर्नाटका या तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन इज हियावाथा ग्लेशियर वॉज रिसेंटली न्यूज, वेयर इज इट लोकेटेड? तो हियावाथा ग्लेशियर रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ लोकेटेड आपको बताना है। ऑप्शन आर ग्रीनलैंड, अर्जेंटीना, आइसलैंड या न्यूजीलैंड। एंड प्लीज डू टेल मी वाई वॉज इट इन न्यूज रिसेंटली। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। बनिहाल काजीगुंड टनल इज अ टनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। जो बनिहाल टनल या फिर बनिहाल काजीगुंड टनल है इनमें से कहाँ लोकेटेड है, किस रेंज में लोकेटेड है? ऑप्शन आर काराकोरम रेंज, पीर पंजल रेंज, लद्दाख रेंज या झंस्कर रेंज। ओके सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू डू नॉट नो द आंसर्स फॉर एनी ऑफ दीज प्लीज डू गूगल इट आउट एंड देन आंसर। सो लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टेररिस्ट बींग किल्ड इन द अनंतनाग। तो अनंतनाग बेसिकली इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो ये लोकेशन याद रखेगा, 6 लोकल मिलिटेंट्स को वहाँ पे इनकाउंटर में मार गिराया गया है। सो दिस इज द न्यूज, बट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लोकेशन अनंतनाग। अनंतनाग अगर आपसे कोई मैप लोकेशन या कोई आपसे पूछता है कि कहाँ पे लोकेटेड, सो इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके नाउ द सेकंड न्यूज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रंट पेज इज अबाउट इंडियन कॉन्सुलर्स डिनाइड ऑफ एक्सेस टू पिलग्रिम्स। एक्सेस टू पिलग्रिम्स मना कर दिया गया है टू द इंडियन कॉन्सुलर्स इन द पाकिस्तान। ओके तो पाकिस्तान में एक ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा है इन द पाकिस्तान। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ पर, वहीं पे ये ननकाना साहिब गुरुद्वारा है। नाउ द इंडियन पिलग्रिम्स जो कि वहाँ जाते हैं ड्यूरिंग गुरु नानक देव जयंती, जब एनिवर्सरी होती है गुरु नानक देव की, तो वहाँ पे जाते हैं कुछ इंडियन पिलग्रिम्स। एंड वहाँ पे जो कॉन्सुलर एक्सेस है उन पिलग्रिम्स से मिलने के लिए वो नहीं प्रोवाइड की गई। ओके सो यू कैन सी इट हियर, एंड इंडियन कॉन्सुलर टीम वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग द पिलग्रिम्स विजिटिंग ननकाना साहिब वेयर द सिख फेस्टिवल इज नाउ बींग सेलिब्रेटेड। तो वहाँ पे सिख फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलर जो टीम थी उसको एक्सेस नहीं प्रोवाइड की गई वहाँ उन पिलग्रिम से मिलने के लिए। क्योंकि कॉन्सुलर का काम क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कॉन्सुलर उनसे मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना जरूरी था। बट इंडियन कॉन्सुलर टीम को मिलने नहीं दिया गया, दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग द पिलग्रिम्स हु वर विजिटिंग द ननकाना साहिब। ननकाना साहिब गुरुद्वारा में ही सिख फेस्टिवल हो रहा है। इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात हम करेंगे आगे एडिटोरियल में, आज उसके ऊपर आया तो हम उसकी बात भी करेंगे। बट यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्सुलर जो टीम थी उसको मिलने नहीं दिया गया टू द ननकाना साहिब। और ननकाना साहिब भी कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में ही है। Now let me tell you some facts that there is a Vienna Convention on Consular Relations of 1963. तो अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो याद रखेगा कि एक वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन है जो कि 1963 में आया था, एंड इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्सुलर रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। किस तरीके से कॉन्सुलर रिलेशन होने चाहिए और क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, दैट इज इन द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन ऑफ 1963। तो ये वियना कन्वेंशन याद रखेगा कॉन्सुलर रिलेशंस में कब आया था, 1963 में आया था। नाउ कॉन्सुल होता क्या है, हु इज अ कॉन्सुल? तो बेसिकली अ कॉन्सुल इज नॉर्मली ऑपरेटिंग आउट ऑफ एन एम्बेसी इन अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री में रहते हैं, एस्टैब्लिश्ड रहते हैं, एंड दे परफॉर्म टू फंक्शंस। वो दो काम करते हैं मेनली। फर्स्ट इज द प्रोटेक्टिंग द होस्ट, प्रोटेक्टिंग इन द होस्ट कंट्री द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीमैन। तो जो आपकी उनकी कंट्री के लोग उस कंट्री में हैं जहाँ पे वो एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ पे उनके इंटरेस्ट के बारे में ये उनका उनके इंटरेस्ट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन कौंसुल जो कि अभी वहाँ पर है पाकिस्तान में है, वो क्यों मिलना चाहते रहे होंगे इन पिलग्रिम से, सो एज टू नो कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपके साथ की गई हो, गलत की गई हो। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती। सो दिस इज ओनली अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्रीमैन इन द होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री इस केस में पाकिस्तान थी और वहाँ पे पिलग्रिम्स हमारे गए हुए थे, तो वहाँ पे कॉन्सुल्स को मिलने देना चाहिए था सो दैट दे कुड हैव नोन बेटर कि कोई समस्या तो नहीं थी, कोई दिक्कत तो नहीं थी। बट ऐसा नहीं किया गया, ये डिनाई कर दिया गया उनको ये राइट। ओके सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय काउंसिल इज दैट दे फर्दर द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स। तो वो कमर्शियल इकोनॉमिक रिलेशंस को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सो रिमेंबर दिस, काउंसिल दो काम करता है, प्रोटेक्टिंग द होस्ट कंट्री द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीमैन, सेकेंड इज दैट फर्दरिंग कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। ओके
और कोई आपसे पूछे कि वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कब आया था, तो 1963 में आया था। अगर आपसे कोई मेंस का क्वेश्चन आता है कॉन्सुलर रिलेशंस पे, तो यू हैव टू मेंशन दिस ट्रीटी, आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो रिमेंबर दिस न्यूज, इट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया विल स्टडी द ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम मैरिजुआना, तो मैरिजुआना से जो ड्रग्स बनती हैं उनके बारे में स्टडी चलेगी इंडिया में। तो ये स्टडी कौन कैरी आउट करेगा? द स्टडी विल बी कैरीड आउट बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो दे आर गेटिंग टुगेदर टू प्रमोट दिस हर्बल ड्रग्स। इन हर्बल ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए प्रयास किया जाएगा और रिसर्च की जाएगी कि क्या क्या मैरिजुआना को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी स्पेशल ड्रग में, जो कि सिकल सेल एनीमिया या ब्रेस्ट कैंसर या इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करे। एक और टर्म था इस न्यूज़ में, वो था बायो इक्विवेलेंट। यू कैन रीड इट हियर, इट इज रिटन बायो इक्विवेलेंट। सो दे आर सिमिलर इन मेकअप एंड इफेक्ट। ओके, तो बायो इक्विवेलेंट क्या होता है? कोई दवाई है, सपोज दिस इज अ ड्रग, आपने दूसरी हू बहु ऐसे ही ड्रग बना ली जिसका कंपोजिशन सेम है और जिसका इफेक्ट सेम है। ओके, सो दैट विल बी द बायो इक्विवेलेंट ऑफ दैट। ओके, सो रिमेंबर दैट बायो इक्विवेलेंट क्या होते हैं? दे आर सिमिलर इन मेकअप एंड दे आर सिमिलर इन इफेक्ट ऑल्सो। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका CSIR है प्लस ICMR है, आपका बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, दे आर गेटिंग टुगेदर टू प्रमोट दीज हर्बल ड्रग्स। और मैरिजुआना के उसको स्टडी किया जाएगा, डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाएगा कि क्या उसको ब्रेस्ट कैंसर या सिकल सेल एनीमिया इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज। तो अब अगले पेजेस में मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ मूव करते जाइए। ठीक है, इस पेज में कोई न्यूज़ नहीं थी आज। यहाँ पे दो टर्म आए थे अगेन, NGT NHAI। तो NGT को आप सबको पता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के एक्ट के थ्रू बना था, 2010 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू बना था। एंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द फर्स्ट टू कंट्रीज जहाँ पे NGT का मैकेनिज्म आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये किस एक्ट के थ्रू आए थे? NGT एक्ट ऑफ 2010 के एक्ट के थ्रू आए थे। वही NHAI की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हाईवे से रिलेटेड काम है उनको करने में मदद करते हैं। नाउ क्यों ये मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ? सो NGT देखो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इफेक्ट्स को कम करने के लिए है NGT, और NHAI आपका रोड्स एंड हाईवेज बनाने के लिए है। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो एलिफेंट यहाँ पे NGT की तरफ से है और ह्यूमन यहाँ पे NHAI की तरफ से है। तो कुछ फ्लाईओवर्स को वाइडन करने की बात की जा रही है ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो दिस इज बेसिकली द न्यूज़ दैट इज देयर। ओके, तो इसको याद रखिएगा, गूगल करके आप ये देख लीजिएगा कि NHAI कब बना था, क्योंकि ये ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, आई थिंक इट इज 1988, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 1988 मेरे को लग रहा है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक इट आउट। ओके, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कब NHAI बना था। ओके, सो सी दैट ऑल्सो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस, अगले पेजेस में न्यूज। तो दिस इज द सेम न्यूज आइटम दैट इज कैरिंग ऑन इंडिया टू स्टडी मैरिजुआना डेराइव ड्रग्स। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, बट अभी इसमें रिसर्च की जाएगी। ओके, तो ICMR और CSIR जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे रिसर्च करेंगे। नाउ लूनार लैंडर फेसेस अ क्रूशियल टेस्ट। तो लूनार लैंडर किस लिए जाएगा? बिकॉज ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन। तो चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन आपको पता है मून मिशन है, ये 2019 की जनवरी में जाएगा। चंद्रयान 1 जो गया था वो 2008 में गया था। तो चंद्रयान 1 वॉज इन 2008, चंद्रयान 2 विल बी इन 2019 जनवरी। एंड चंद्रयान 2 में एक लैंडर जाएगा। ओके, तो उस लैंडर के सेंसर का टेस्ट होगा। ओके, सो द लैंडर सेंसर्स विल बी अंडरगोइंग अ टेस्ट नाउ, उनका टेस्ट किया जाएगा। तो दिस इज द न्यूज़ दैट इज हैपनिंग, तो ये याद रखिएगा। और ये टेस्ट जो होगा वो चल्ला केरे इन कर्नाटका में होगा। तो चल्ला केरे इज अ प्लेस, ये आपको देख रहा होगा, लिटमस टेस्ट के नीचे लिखा हुआ है। द सेंसर्स विल बी टेस्टेड इन एट चल्ला केरी इन कर्नाटका। तो चल्ला केरी इन कर्नाटका, यहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि क्या होगा कि नहीं होगा। ओके, नाउ जो सेंसर्स लगे हैं इस लैंडर में वो किस तरह से हेल्प करेंगे? हाउ विल दीज सेंसर्स हेल्प द लैंडर? सो दे विल असेस द हाइट फ्रॉम द लैंडिंग स्पॉट, दे विल असेस द हाइट फ्रॉम द लैंडिंग स्पॉट कि किस हाइट से लैंड करना है। देन दे विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द लैंडर, दे विल ऑल्सो डिसाइड द स्पीड ऑफ द लैंडर, एंड दे विल हेल्प द लैंडर टू नेविगेट द बोल्डर्स और अनइवन सर्फेसेज। ओके, तो हेल्प द लैंडर टू नेविगेट बोल्डर्स और अनइवन सर्फेसेज, दे विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द लैंडर, दे विल असेस द हाइट फ्रॉम द लैंडिंग स्पॉट। ओके,
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी और सेंसर्स इस तरीके से मदद करेंगे, ये याद रखेगा। और जो ये टेस्ट है इसका नाम है लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट, LSPT, लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट। और जो लैंडर है उसको कौन डेवलप कर रहा है, यू आर राव सेटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु। तो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, यू आर राव सेटेलाइट सेंटर कहाँ पर ये, बेंगलुरु में, यही इसको बना रहा है, इस सेंसर को बना रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हैपनिंग। एंड चंद्रयान टू का ईयर याद जरूर रखिएगा, 2019 जनवरी, और चंद्रयान वन का भी याद रखिएगा क्योंकि कुछ एग्जाम्स पूछें कि चंद्रयान वन का तो 2008 में आया था वो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इंस्टीट्यूट इन ब्रेल टू मार्क द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखे कब है, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड अवेलेबल इन ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दैट ओकेजन। ओके, तो सबसे पहली बात याद रखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को है और उसी के उपलक्ष्य में ब्रेल लिपि में लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक प्रोवाइड की जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन ब्रेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में। और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, 26 नवंबर को आता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियाज फर्स्ट ब्रेल न्यूज लेटर स्पर्श दनियम। ओके, द स्पर्श दनियम ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड अवेलेबल इन 5 पार्ट्स। ओके, तो 5 पार्ट्स में प्रोवाइडेड रहेगी ये ब्रेल, ब्रेल लिप में लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। और देखो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उन्होंने यहाँ लिखी है, सो दिस विल बी हेल्पिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड लॉयर्स। ओके, तो बेसिकली हर चीज जो हो रही है, ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड लॉयर्स के लिए हो रही है फ्रॉम द ब्लाइंड कम्युनिटी। सो दिस इज अ थिंग दैट इज हैपनिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाते होंगे या वो उनके लिए अवेलेबल नहीं रहती होगी। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन दैट बिहाफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे और 26 नवंबर का याद रखेगा, स्पर्श दनियम ये नाम भी याद रखेगा, स्पर्श दनियम। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बुक विल बी मेड अवेलेबल इन ब्रेल स्क्रिप्ट ऑन दैट ओकेजन। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट एडिटोरियल इज ऑन नॉट बाय ऑर्डिनेंस। सो नॉट बाय ऑर्डिनेंस ये दीज व्यूज आर ऑफ द ऑथर। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी कोई रिलीजियस मैटर आता है या जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू आता है तो मैं जरूर ये चीज़ बताता हूँ कि दीज आर द ऑथर्स व्यूज, क्योंकि ये मेरे व्यू बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मेरे व्यू ये ऐसे हो या ऐसे ना हो, लेकिन दीज आर नॉट माई व्यूज, दीज आर वॉट द ऑथर इज सेइंग। सो लेट्स स्टार्ट, नॉट बाय ऑर्डिनेंस। सो बेसिकली दिस वॉज द लीड आर्टिकल रिटन ऑन वाई गवर्नमेंट शुड नॉट ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू बिल्ड द राम टेम्पल इन अयोध्या। क्यों गवर्नमेंट एक को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश नहीं लाना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अ राम टेम्पल इन अयोध्या, दिस इज वॉट राजीव धवन है इज सेइंग। राजीव धवन ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं पास करना चाहिए। नाउ वॉट आर द रीजन्स गिवन फॉर दैट, द फर्स्ट रीजन इज दैट इट वुड क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा अकॉर्डिंग टू राजीव धवन, बिकॉज एक केस था इस्माइल फारूकी केस ऑफ 1994, इस्माइल फारूकी केस था 1994 में। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म बनाया था स्टैट्यूटरी रिसीवर का, स्टैट्यूटरी रिसीवर वॉज द टर्म गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड इन द 1994 केस ऑफ इस्माइल फारूकी ये गवर्नमेंट को बोला गया, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द गवर्नमेंट विल बी द स्टैट्यूटरी रिसीवर ऑफ द लैंड आफ्टर ऑफ द लैंड। ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, दैट इज द स्टैट्यूटरी रिसीवर ऑफ द लैंड, एंड अगर वही उस लैंड के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पास करती है तो दैट विल बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो दैट विल नॉट बी इन द नेशन्स इंटरेस्ट, दैट विल बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। तो कोई चीज़ अगर आपकी ही है और आपने उसी के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट कहलाएगा, ना कि नेशनल इंटरेस्ट कहलाएगा। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑर्डिनेंस के लिए कहा जा रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा और खुद की चीज़ के लिए आपको ऑर्डिनेंस नहीं पास करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट इज़ हैपनिंग, एंड ये केस याद रखेगा इस्माइल फारूकी केस ऑफ 1994। नाउ सेकंड पॉइंट से थोड़ा पॉइंट हमको ज़्यादा ईजी और समझ में आएंगे, क्योंकि सेकंड पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इवन इफ द ऑर्डिनेंस इज पास्ड इट वुड बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इट अफेक्ट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी केस, ये केस पेंडिंग है अभी, नाउ दिस केस इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप ऑर्डिनेंस ऐसे टाइम पे लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन रहे हैं कि आप जजमेंट ना दे पाए। नाउ यू आर इनक्रोचिंग इन टू द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। इफ द
court, if the matter is still pending in the Supreme Court and you are passing an ordinance, then that means that you are curtailing the jurisdiction of Supreme Court. और वो आप नहीं कर सकते हैं. You cannot take away the right to adjudicate from the Supreme Court, क्योंकि ये discriminatory हो जाएगा. ये basic principles को, basic structure को void कर देगा. And this is the thing, ये author ने कहा है कि ये challenge किया ही जाएगा और फिर Supreme Court इसको फिर से कर देगा. तो there is no need of that passing ordinance, of passing that ordinance, okay? थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो निर्मोही अखाड़ा है, जो वन थर्ड लैंड का ओनर है अभी निर्मोही अखाड़ा, वो बिल्कुल डिनाई कर रहा है. उसने मना कर दिया है कि आपको दे आर नॉट विलिंग टू गिव डीटी इट्स लैंड. ओके, वन थर्ड जो लैंड उनका है निर्मोही अखाड़ा का, दे आर नॉट विलिंग टू गिव दैट टू द डीटी, और राम जी को वो नहीं देना चाहते हैं निर्मोही अखाड़ा वाले. सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग. द फोर्थ पॉइंट इज दैट टू ईल्ड टू द डिमांड ऑफ वन फेथ अगेंस्ट अनदर नॉट ओनली कंडोन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद बट abandons द वेरी बेसिस ऑफ India's मल्टी रिलीजियस एंड कल्चरल ethos. तो इंडिया का जो मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल ethos है, उनको कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप एक रिलीजन के whims एंड fancies के आगे झुक जाएंगे. तो अगर आप किसी एक रिलीजन के लोगों के सामने झुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रिलीजन को ये बताते हैं कि आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और आपका कोई contribution नहीं रहा है. सो दिस इज द थिंग दैट शुड नॉट हैपन इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो बोलते हैं हम कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी is the speciality of India. विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है. So that should remain always, okay? And वो stance हमेशा हमारा रहना चाहिए. किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के whims and fancies के सामने हमको झुकना नहीं चाहिए. This is what the author is saying. So these were the points given by that. एक और इसमें अच्छा पॉइंट ये था इस पूरे आर्टिकल में कि द रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज, जो रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज होता है, बार बार ऑर्डिनेंसेज पास कर किए जाते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरा कहा था इन द डीसी वाधवा केस ऑफ 1986. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, डीसी वाधवा केस ऑफ 1986. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. 1986 का केस है डीसी वाधवा का, इसको जरूर याद रखिएगा. नाउ द सेकंड एडिटोरियल इज ऑन इंडिया एंड वियतनाम रिलेशंस, इंडिया वियतनाम रिलेशंस के बारे में है. और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो विजिट करने गए हैं वियतनाम में, तो उसी बेसिस पे ये एडिटोरियल लिखा गया है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वियतनाम इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू बी विजिटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन हिज प्रेसिडेंशियल कैपेसिटी. तो हमारे कोविंद जी पहले इधर उधर के बड़े बड़े देश निपटा दिए, अब वो साउथ एशिया एशियन कंट्रीज में आए हैं, उनमें से सबसे पहला उन्होंने वियतनाम सेलेक्ट किया है. ओके, नाउ वियतनाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए. एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज ट्रेड विद आसियान नेशंस, हम आसियान के साथ वैसे भी ट्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं, और अगर हमारे सपोर्ट में वियतनाम रहता है सो दैट कैन एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटर देयर, तो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर सकता है. Now, Vietnam and India can also coordinate in health sector. हम health sector में काफ़ी coordinate कर सकते हैं. India वैसे भी pharmaceuticals का hub माना जाता है. We have great pharmaceuticals here. World में लगभग second, third position में हम आते हैं pharmaceuticals के नाम पे. So, we can help in that health sector के नाम पे. मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंडिया में होता ही, आप सबको पता है. एंड वियतनाम एंड इंडिया बोथ आर द सपोर्टर्स ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक, तो वहाँ पे भी हम मर्ज करते हैं कि हम भी रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं. ओके, एंड वी बोथ आर अगेंस्ट द बुलिंग ऑफ चाइना इन द रीजन, तो जो चाइना कर रहा है पूरे रीजन में, हम दोनों उसके खिलाफ है. कहीं ना कहीं वियतनाम में भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो जब प्रणब मुखर्जी थे उस समय प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पे ऑयल ड्रिल किया जा रहा था वियतनाम में, और उसको मना किया गया था चाइना ने मना किया था कि आप वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं करेंगे, बट वी स्टिल टुक दैट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. ओके, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम दोनों चाइना के अगेंस्ट हैं रीजन की जो उसका क्लैमर है. नाउ इंडियन वियतनाम कैन जॉइंटली लुक फॉर कोऑपरेशन एट सब रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक LCV. हम LCV ग्रुपिंग बना सकते हैं, LCV के साथ ICLV बना सकते हैं, इंडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसी लोकल सब रीजनल ग्रुपिंग्स भी बना सकते हैं. एंड सम अदर इशूज वर हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल, सम अदर इशूज वर हाईलाइटेड, सो सम दे वर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस वॉज इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एडिटोरियल नाउ, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, द कॉरिडोर ऑफ होप. ओके, तो ये कॉरिडोर ऑफ होप जो है, ये करतारपुर कॉरिडोर की बात की जा रही है. सो दिस इज ऑन करतारपुर कॉरिडोर. करतारपुर कॉरिडोर के बारे में क्या है फैक्ट, इट्स अ वीजा फ्री कॉरिडोर टू बी बिल्ट बिटवीन डेरा बाबा नानक इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान पंजाब. तो करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, और
डेरा बाबा जो नानक जो कि इंडियन पंजाब में है, इनके बीच में ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया जाएगा। एंड दिस विल बी अ वीज़ा फ्री कॉरिडोर जहाँ पे जो सिख पिलग्रिम्स हैं वो जा सकते हैं फॉर द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी है वहाँ पे वो जा सकते हैं। एंड करतारपुर गुरुद्वारा के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर रावी, रिवर रावी की बिसाइड ये साइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रिलिम्स से पूछा जा सकता है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है, तो रिवर रावी के किनारे है। एंड इट्स अ प्लेस वेयर गुरु नानक स्पेंट लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, तो अंतिम के 18 साल गुरु नानक देव ने यहीं पे स्पेंड किए थे। नाउ व्हाई इज दिस कॉरिडोर इंपॉर्टेंट? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट विल एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर द टू कंट्रीज। तो एक तरीके से पता है, मैंने एक बहुत अच्छा टर्म अभी रिसेंटली एक आई थिंक आई रेड दैट इन लाइव मिंट में शायद मैंने पढ़ा था कि दिस इज जस्ट सेम एज द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो जिस तरीके से बर्लिन वॉल का फॉल हुआ था एंड उसी इवेंट के जैसे इसको इक्वेट किया जा रहा है। सो दैट इज समथिंग वेरी सिम्बॉलिक, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। एंड उसी बेसिस पे इसको भी हम बर्लिन वॉल से कंपेयर कर सकते हैं, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल जो काफ़ी फेमस इवेंट है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एनालॉजी गिवन फॉर दैट। तो आप उसको मेंस में आंसर राइट में यूज कर लीजिएगा। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इनिशिएटिव कैन ऑल्सो बिकम अ टेम्पलेट फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस बेस्ड ऑन फेथ, ओके, विच कुड प्रोवाइड अ बाम फॉर मेनी कम्युनिटीज। तो एक जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस होने लगेंगे अगर फेथ बेसिस पे, सो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को इससे फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित्स हु हैव लॉन्ग आस्क्ड टू एक्सेस शारदा पीठ इन नीलम वैली ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके में एक शारदा पीठ है, पीओके में शारदा पीठ है जो कि नीलम वैली ऑफ पीओके है, वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स बहुत दिनों से जाना चाहते हैं, तो शायद उसके बाद ये भी खुल जाए। देन सूफीज इन पाकिस्तान हु विश टू विजिट दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो जो पाकिस्तान के सूफी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आना चाहते हैं उनको भी हम एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो आई थिंक बहुत सारी कम्युनिटीज़ को इससे आगे फ़ायदा होने वाला है। जैसे सिख से स्टार्टिंग हुई है तो अब ज़रूर कश्मीरी पंडित्स और उसके बाद जो वहाँ के सूफी हैं उनको भी हम एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस दैट इशूज रिलेटेड टू कॉरिडोर आर हैंडल इन नॉन पोलिटिकल मैनर। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि इनको नॉन पोलिटिकल मैनर में हैंडल करें। नॉन पोलिटिकल मतलब इसका पोलिटिसाइजेशन ना किया जाए, इसको इस तरीके से ना किया जाए कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को ज़्यादा महत्ता मिलनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पीस प्रिवेल करे। ओके, सो पीस शुड प्रिवेल। एंड एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट करतारपुर कॉरिडोर इज द रिमाइंडर दैट डायलॉग एंड सर्च फॉर एरियाज एंड कॉनकॉर्ड आर द ओनली वेज फॉरवर्ड फॉर बोथ कंट्रीज। तो केवल जब हम केवल बात करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाएंगे डायलॉग्स के थ्रू और ऐसे एरियाज़ को ढूंढेंगे जहां पर हम एक हो सकते हैं, तभी हम पाकिस्तान के साथ पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो वेरी गुड एडिटोरियल अगेन। सो दीज वर द थ्री एडिटोरियल्स वी विल बी डिस्कशिंग। ये पोलैंड के ऊपर है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑपेड पेज में है जीका के ऊपर, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो इट्स अ जीका वायरस स्टोरी। अभी राजस्थान में आउटब्रेक था, वी ऑल रेड दैट कि राजस्थान में इसका आउटब्रेक था। अब मध्य प्रदेश इज ऑन टारगेट नाउ, मध्य प्रदेश में भी अभी केसेस मिलना शुरू हो गए हैं फॉर द जीका। एंड जीका वायरस का नाम आता कहाँ से है? तो इट इज़ फ्रॉम द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा। जीका फॉरेस्ट युगांडा में है, वहाँ से इसका नाम आता है। एंड इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1947। सबसे पहली बार 1947 में इसके बारे में पता चलता है। जीका कैन स्प्रेड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर बेबी। प्रेग्नेंट वुमेन से उसकी बेबी बच्चे को होता है एंड बच्चों में वो माइक्रोसेफेली क्रिएट करता है, मतलब एबनॉर्मली स्मॉल ब्रेन, एबनॉर्मली स्मॉल हेड, तो ये सब होता है, ब्रेन मैलफॉर्मेशन हो जाती है, इसको माइक्रोसेफेली बोलते हैं। ये बच्चों में होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर रहते हैं। एडल्ट्स में इसमें एक बीमारी क्रिएट करता है जिसको गिलियन बैरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो गिलियन बैरी सिंड्रोम इन एडल्ट्स एंड बच्चों में माइक्रोसेफेली। नाउ जीका इज स्प्रेड बाय एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। तो एडीज एगिप्टी मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है एंड स्टैग्नेंट वाटर में स्प्रेड करता है। तो स्टैग्नेंट वाटर में स्प्रेड करता है और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में यह माइक्रोसेफेली क्रिएट करता है, एडल्ट्स के केस में गिलियन बैरी सिंड्रोम क्रिएट करता है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वॉज इंपॉर्टेंट। और बाकी एड्रोल में केवल ये डिस्कस किया गया था कि मोर अवेयरनेस एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दीज आर द टू थिंग्स दैट आर नीडेड। मोर अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि स्टैग्नेंट वाटर ना रहे, मच्छरों से किस तरीके से बचा जाए, ये सारी चीज़ें। प्लस आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उनको बेटरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट। एंड बाकी हमने फैक्ट्स जीका के बारे में डिस्कस कर लिए।
नाउ इंडिया के जो कॉन्सुलर्स को एक्सेस डिनाई की गई थी हमने पढ़ा था. सो याद रखेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल इनॉग्रेट द करतारपुर कॉरिडोर फॉर 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक इन 2019. तो करतारपुर कॉरिडोर का जो इनॉग्रेशन होगा वो 2019 में किया जाएगा एंड 550th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया जाएगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट. इसके अलावा जो एक्सेस मना की गई वो ननकाना साहिब के लिए मना की गई है, ये भी याद रखेगा. नाउ आरटीआई रिक्वेस्ट की गई थी टू सी द आरटीआई अमेंडमेंट बिल बट वो डिनाई कर दी गई है. तो मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ आरटीआई अमेंडमेंट बिल की. तो आरटीआई अमेंडमेंट बिल ऑफ 2018 जिसको नोटिफाई किया गया था टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ओके. तो उसी के रिगार्डिंग एक पीआईएल की गई थी, सॉरी एक आरटीआई की गई थी कि आप उस बिल के अमेंडमेंट्स बताओ क्या क्या है, बट उनको डिनाई कर दिया गया है. एंड इस बिल के अंदर कुछ खास बातें जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. द बिल सॉट टू गिव द सेंटर पावर टू सेट द टेन्योर एंड सैलरीज ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. तो सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं जो उनको उनकी सैलरीज और उनके टेन्योर को डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी इस एक्ट के थ्रू. इस एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरीज हैं और उनका जो टेन्योर है वो सेट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी. नाउ क्रिटिक्स आर वरिंग दैट दिस कुड थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ कमिश्नर्स, ओके. तो जब उनकी सैलरी और जब उनका टेन्योर ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक फियर एंड फेवर की भावना आएगी. फियर एंड फेवर मतलब हमको पता रहेगा कि अगर हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर हम अच्छे से रहेंगे तो हमारा टेन्योर बढ़ जाएगा. तो कहीं ना कहीं आप फिर वहाँ पे फियर एंड फेवर करने लगते हो, ओके. सो दिस शुड नॉट हैपन एंड ये पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एंड CIC इज द लास्ट बॉडी एंड इट्स द फाइनल एपिलेट अथॉरिटी. तो फाइनल एपिलेट अथॉरिटी, इसलिए हमको मेक श्योर करना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट रहे फुल्ली. और दैट इज़ द रीज़न वाई जब ये बिल आएगा तो वी विल बी सीइंग द प्रोविजंस, पूरे प्रोविजंस हम तब देख पाएंगे जब ये बिल आएगा. एंड कोई भी जो वैसे भी आरटीआई को बहुत सारा थॉट करने की कोशिश की जा रही है, तो आरटीआई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो कि उसके एक्ट को और ज़्यादा वीक करेंगी. सो लेट्स सी कि क्या होता है. प्रसार भारती के बारे में आपको बताना है. प्रसार भारती के लिए पहले तो याद रखिएगा कि प्रसार भारती अपने जो वर्कफोर्स है उसको रिव्यू करने वाला है, जितने लोग वहाँ काम करते हैं, कितने लोग और रिक्रूट कर सकते हैं वो लोग, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं. इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट ये है कि दिस ऑडिट वाज रिकमेंडेड बाय सैम पित्रोदा कमेटी. तो सैम पित्रोदा कमेटी उसने 2014 में ये रिकमेंड किया था, ओके. सो दिस वॉज रिकमेंडेड बाय सैम पित्रोदा कमेटी इन 2014. तो उन्होंने रिकमेंड किया था प्रसार भारती को कि आप अपना ऑडिट करिए, कितना स्टाफ है और कितने ज़्यादा और आप ला सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सैम पित्रोदा कमेटी ने ही बताया था कि वी हैव 33,800 स्टाफ एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ है 48,022, ओके. तो 48,022 में 33,800 हमारे पास है एंड इट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर. तो वर्ल्ड में हाईएस्ट है ये वैकेंसीज जो है और ये जो स्टाफ है दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ओके, फॉर एनी पब्लिक ब्रॉडकास्टर. बीबीसी में भी केवल 16,858 है. बीबीसी ऑल्सो हैज ओनली 16,858 ब्रॉडकास्टर्स, लेकिन इंडिया में ये 48,000 की स्ट्रेंथ है सैंक्शनड एंड 33,800 नॉर्मल स्टाफ है. प्रसार भारती के बारे में अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता हूँ. प्रसार भारती जो है वो कि स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रसार भारती एक्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 23 नवंबर 1997 को ये एक्ट में आती है, ओके. एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है. नाउ इट इज़ द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है पूरी कंट्री का. एंड दो इसकी जोन्स हैं इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. तो ऑल इंडिया रेडियो 1956 को आकाशवाणी हम बोलते हैं, इट इज़ द नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर इन इंडिया, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया है, एक डिवीज़न है जो प्रसार भारती का. दूसरा दूरदर्शन है, 1959 से इसने वर्किंग शुरू की थी एंड इट्स अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ओन्ड बाय प्रसार भारती, ओके. सो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके. तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये सब काम करते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ओके. ये दोनों चीज़ें भी याद रखेगा, 1997 का एक्ट जरूर याद रखेगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रसार भारती के लिए कमेटी याद रखेगा, सैम पित्रोदा कमेटी थी और स्ट्रेंथ हमारी जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये न्यूज़ हो चुकी है, नाउ दिस इज ऑल्सो डन.
नाउ ऑयल प्राइजेस डिप 6% डिस्पाइस पोटेंशियल ओपेक कट. तो ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट करने की कोशिश बात की है, अब वो करने वाले हैं, बट अभी ऑयल प्राइस डिक्रीज होते जाने. ब्रेंट क्रूड की कल हमने बात की थी, ऑयल बेंचमार्क होता है. ब्रेंट क्रूड क्या होता है? दिस इज द ऑयल बेंचमार्क, रिमेंबर दैट. ब्रेंट क्रूड इज द ऑयल बेंचमार्क. एंड कल हमने ओपेक की बात नहीं की थी, तो आज हम ओपेक की बात कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट ओपेक. ये इंटरनेशनल कार्टेल बोला जाता है. कार्टेल का मतलब क्या होता है कि कुछ कॉपरेशन, कुछ कंट्रीज जो है अपने कोऑर्डिनेशन में आके इंटरनेशनल कंपटीशन को कम करती हैं. तो जब ये लोग एक साथ हो जाएंगे तो फिर कंपीट कौन करेगा इनसे? कोई नहीं कर पाएगा. इसलिए इंटरनेशनल कंपटीशन को कम करने के लिए जो अलग अलग सेम चीज के प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ मिलके एक कार्टल बना लेते हैं टू रिड्यूस द इंटरनेशनल कंपटीशन. नाउ ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. 1960 में बना था और हेडक्वार्टर इसका 1965 से वियना में है. वियना इज इन ऑस्ट्रिया. ओके, ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है. 1965 से बना, या 1960 में था. फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसके प्रेजेंट मेंबर्स हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गिनी, गैबॉन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया विच इज द डी फैक्टो लीडर ऑल्सो, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड वेनेजुएला. दीज आर द मेंबर्स. आई थिंक 15 मेंबर्स आर देयर एट प्रेजेंट. 15 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, ये भी याद रखेगा. एंड अगर ओपेक अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करता है आगे और ज़्यादा, तो ऑयल प्राइजेस कुड रिकवर शार्पली. ऑयल प्राइजेस तब बढ़ सकते हैं. और अभी प्राइजेस घटने का रीज़न ये भी है कि जो यूएसए है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है. यूएसए इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ऑयल एट प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज द रीज़न विच इज़ वाई द ऑयल प्राइजेस आर नॉट डिक्रीजिंग. ओके, तो उस लेवल पे ऑयल प्राइजेस इसलिए नहीं डिक्रीज हो पा रहे हैं क्योंकि यूएसए बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है. तो ये भी याद रखेगा पॉइंट. दिस इज़ अनदर थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ओके, सो वी डिस्कस दिस ऑल्सो. ओके, नाउ फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन. हाँ, फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, अवर वुमेन वर्ल्ड 2020 में हमारी वुमेन टीम जो थी वो बाहर हो गई है. इंग्लैंड ने उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया. तो मैंने सोचा था कि जब ये न्यूज़ होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि हम जीत गए विश्व कप, लेकिन हम हार गए. वर्ल्ड 2020 कप को हम हार गए. ओके, सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग. ओके, सो वी हैव लॉस्ट दैट मैच. दिस इज नॉट अ गुड थिंग दैट हैपेंड. ओके, तो ये खुशी नहीं मिली मुझे. सो लेट्स मूव टू द लास्ट पेज. तो कुछ और न्यूज़ है यहाँ पे. एथलेटिको मैड्रिड और यहाँ पे टॉटनहैम केन, इनका है कोई न्यूज़ नहीं इम्पॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो नॉट अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़. ओके, सो दैट इज इट फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक आर वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. लास्ट तक कोई न्यूज़ नहीं है अब. सो दैट वॉज इट. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. डू लव अस, कीप लविंग अस, कीप रिप्लाइंग अस, and keep appreciating our work, keep motivating us. That is it. Thank you and have a nice difference.